तो पूर्व सॉलिसिटर लीडर हरीश सालवे ने करी तीसरी शादी 68 साल की उम्र में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मोदी जी भारत में वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहते हैं, तो जिसके जो है एक हर्ष सालवे जो है एक सदस्य हैं, जिसके बाद भाई लोगों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। हालांकि 2020 में इनकी दूसरी शादी हुई थी और अब 2023 में इन्होंने तीसरी शादी आज करी है। तो हरीश सालवे की शादी में मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी देखने को मिले और वहां पर ललित मोदी भी मौजूद थे। तो बिहार के नेता पप्पू यादव जी लिखते हैं, एक आदमी तीसरी शादी, यह है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के सदस्य, 68 साल की उम्र में जब कब्र में पांव लटका है यह अपनी तीसरी बीवी चुन सकते हैं, लेकिन जनता जब चाहे तब उसको सरकार चुनने नहीं दे। और कांग्रेस नेता अलका लांबा यह लिखते हैं, हरीश सालवे की शादी में ललित मोदी भी हुए शामिल, 68 की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने हरीश सालवे। और एक व्यक्ति लिखते हैं, बताइए जो जिनके धंधों को सरकार दिन रात प्रमोट करती है उनके मालिक देश का हजारों करोड़ लूट के भागने वाले ललित मोदी के साथ गलबाहियां कर रहे हैं। और तो और साहिब ने इन्हें वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी में भी रखा है, सब धूर्त आज एक हो गए हैं। हालांकि यह इनका पर्सनल मामला है, लेकिन आप इस बारे में क्या राय देना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।